कुछ लोग और भी अंदर मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं कि इनके जीवन में क्या क्या बदलाव है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मदन लाल जी। मदन जी आप बताएं, क्या इन दोनों सरकारों में आपको कोई फर्क नजर आया है? फर्क नजर आया है जी, क्या नाम से अब सिलेंडर मिल जाता है, बिजली फ्री टाइम पे आ जाती है, 24 घंटे बिजली रहती है, और ये पानी का भी बढ़िया व्यवस्था कर रखे है जी। जी गांव की सड़कें वगैरह, सड़कें बढ़िया मिला दी, गांव से सब रोड मिला दिए सबको, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है जी। पहले फिर क्या था, 10 साल पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसमें क्या था जी, क्या माहौल था? अच्छा, बच्चे लग पा रहे नौकरी? नौकरी बढ़िया लग रहे हैं बिल्कुल। चलिए और लोग बाबू जी आप बताएं, आपको क्या फर्क नजर आया? फर्क अभी सर, एक तो सारी सड़कें बन गई हैं, मतलब जो गांव से गांव कनेक्टिविटी है जी, वो बिल्कुल हो गई है। अभी फिलहाल हमारा नया रोड बना है गुरावड़ा से कनोरा जी, हाँ अभी ये बना है, और काफी मतलब पूरे अपने कोसड़ी हल्के के अंदर 90 मतलब सड़कें नई बनी है, और जो टूट रही थी उनकी रिपेयर की गई है। हाँ जी, और काम हुए हैं जी। अभी हमारे गांव के अंदर ही अभी पानी का डिग बन गया है, घर के अंदर मतलब पानी आता है, गैस जो है सिलेंडर है वो इधर ही घर के गांव के अंदर आते। पहले हम रेवाड़ी जाते थे और उधर हमारी मतलब लाइन लगती थी, एक एक दो दो घंटे में नंबर भी नहीं आता था, बहुत परेशानी थी उसके अंदर। जिसके पास साधन था वो तो मोटरसाइकिल पर लेगा, नहीं तो सब बस में कोई किसी में टेम्पो में लटक के तब जाते थे उसके अंदर, तो बहुत ज्यादा परेशानी थी बिल्कुल। और अभी नया जी हैप्पी कार्ड जो गवर्नमेंट ने बनाया है, जो बीपीएल परिवार है उनके लिए हैप्पी कार्ड बना दिया है, 1000 किलोमीटर मतलब साल के अंदर वो पूरा परिवार कहीं भी घूमो 1000 किलोमीटर बिल्कुल। एक नई योजना भी लॉन्च कर दी है वो प्रधानमंत्री जी ने करी थी, जो मतलब गरीब बीपीएल परिवार के मतलब घर के ऊपर सोलर जी। तो वो भी मतलब उसमें चली हुई है, अभी प्रोसेस में है, उससे बिजली का भी कोई बिल नहीं, हाँ बिजली का बिल नहीं आएगा, और बिजली की बहुत मतलब बचत होगी आम मतलब गरीब आदमी को। और पहले बिजली 2 घंटे आती थी दिन के अंदर, सिर्फ पूरे दिन ऐसे मतलब पंखा से मतलब वो करते थे हाथ वाले जो पहले होते थे उनसे, तो गर्मी बहुत ज्यादा हो गई। अभी मुश्किल से कोई फॉल्ट होगा तो बिजली चली गई, नहीं तो बिजली नहीं जाती, हमारे 24 घंटे बिजली अवेलेबल रहती है गांव के अंदर। हाँ जी, तो विधायक जी गांव में मिलने आते कि नहीं आते? विधायक जी आते हैं, जैसे एक दो बार तो मतलब आए हैं, कई बार मजबूरी भी हो जाती है, जैसे विधायक की कुछ ये आरक्षण हो गया था, जाट आरक्षण हो गया था, उसके अंदर भी फिर कोरोना आ गया था, तो उसके अंदर ही मतलब कई बार नहीं आ पाए, नहीं तो विधायक जी आते हैं। आप लोग जाते हैं मिलने? हाँ हम जाते हैं मिलने, जैसे जो भी हमारे कोई काम अटक रहा है करवाने के लिए जाते हैं तो करते भी हैं। अभी फिलहाल अभी जस्ट की बात है, हम गए थे विधायक जी के पास, तो उन्होंने 5,89,000 रुपए हमारे मंदिर है गांव का, उसके टीन सेट डला हुआ था, उसके नीचे पर वो कच्चा था, तो उसके लिए टेल वाली ईटे मतलब मंजूर करवा के आए थे, और वो मतलब लगेंगे हमारे मंदिर के अंदर। हाँ जी, ये था। और एक गुरावड़ा स्कूल है, कॉलेज है हमारा, इसके अंदर एमए की उसने मतलब क्लासेस शुरू करवाई। जटसाना के अंदर कॉलेज था, जटसाना के अंदर वो डैमेज हो गया था तो, और उसमें पानी भरता था, तो उसका मतलब सैंक्शन लेके नया मतलब काम शुरू करवा दिया उसने। बिल्कुल, बिल्कुल। और 10 साल पहले कांग्रेस के राज के अंदर ये कोसड़ी वाला जो फ्लाईओवर है ये बना था, वो उद्घाटन होने से पहले ही मतलब वो डैमेज होना शुरू हो गया था, तो उसको वो 5-6 साल के अंदर विधायक जी ने उसका पहले सर्वे सर्वे करवाया है कि डैमेज है, तो करवा के उसको फिर इसने पास करवा दिया, और अभी वो बनने के मतलब कगार के ऊपर मतलब शुरुआत मतलब अभी हो जाएगी, उसका प्रोसेस पूरा कर लिया है उनका। बच्चों को नौकरी मिल पा रही है? बच्चों को साहब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नौकरी मिली है, मेरे गांव से 3 बच्चों को नौकरी मिला है, एक तो खुद मेरे लड़के को नौकरी मिली है पशुपालन विभाग के अंदर, वीएलडी नहीं देने पड़ी, कोई पैसा नहीं लगा, वीएलडी लगा है मेरा बच्चा, और हमारे एक पड़ोस के अंदर है लड़की, वो लगी है कॉलेज के स्कूल के अंदर, कोई पैसा नहीं लगा, और एक गांव के अंदर लड़की लगी है ग्रुप डी के अंदर, उसका भी कोई पैसा नहीं लगा। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी ने ना हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है, वो तो सबों का छोड़ते ही इलेक्शन में मतलब चुनाव जीतने के लिए तो करते ही है ना, उस वाले कांग्रेस के करते हैं ये तो। उसमें आप क्या काम करते हैं? मैं फौज से रिटायरमेंट हूँ सर। हाँ जी, फौज में कोई फर्क आया क्या? हाँ, फौज के अंदर काफी फर्क आया है। पहले कांग्रेस के राज के अंदर जब हम ऑन ड्यूटी थे तब अगर पाकिस्तान से उन्होंने गोली मतलब चला दी है तो हम ये इंतजार करते थे कब हमारे मतलब दिल्ली से परमिशन मिले, अगर भाई आप गोली चलाओ
तो हम मतलब गोली चलाएंगे, नहीं तो वरना हम कुछ नहीं कर सकते। पर आज के टाइम में ऑर्डर हमारी जेब के अंदर है, ये स्पष्ट आदेश दे रखा है, अगर उधर से गोलियां एक आती है तो आप 10 गोली मारो, कोई मतलब समस्या नहीं। सेना में और क्या क्या बदलाव है? सेना के अंदर सर अभी एक तो बुलेट प्रूफ जैकेट की बहुत परेशानी थी, बीजेपी सरकार ने आते वो पूरा कर दिया। फाइटर थे वो खरीद लिए हैं, खरीदे हैं नए, गाड़ियां नहीं खरीदी हैं और हथियार भी मतलब नए खरीदे हैं, तो सेना में बहुत कुछ बदलाव कर दिया, मॉडर्न हथियार आ गए सर। हाँ जी बिल्कुल। चलिए एक बाबूजी और भी उनसे बात कर ले। बाबूजी क्या नाम है? जगदीश नाम है सर मेरा। सब विधायक साहब आते हैं कि नहीं आते? आते हैं सब, आते हैं। कैसे आदमी है? बढ़िया आदमी विधायक साहब, बहुत एक नंबर के आदमी। हम भी मिल के आते हैं उनसे, जाते हैं, बढ़िया बात करते हैं, कोई परेशानी हो उनको बताते हैं, तो वो सोल भी करते हैं। जैसे भाई साहब ने बताया भाई 5-4 लाख 5 लाख रुपए मंदिर के लिए दिए, हमने कहा था भाई ऐसे ऐसे श्रद्धालु जाते हैं, वहाँ कीचड़ रहता है, तो उस कीचड़ में जो भगत आदमी जाए हैं तो वहाँ पे कुछ वो मिल जाए तो वो नंबर जी ठीक है, इन चार पैसे हम मंजूर कर देंगे और आप भी इनको लगवा दे, ताकि जाने वाले सब दालुओं को परेशानी ना हो। तो कई चीजें उनकी बहुत बढ़िया लगी, ठीक है। और बाकी तो सेना में तो मोदी जी आने के बाद तो एक नंबर का काम हो गया, हर साइड से, हर साइड से। आसपास इलाके में भी कुछ फर्क आया है? इलाके में तो सारा ही फर्क आया भाई, सारे रोड बन गए, गाँव गाँव गए, पहले रोड नहीं थे, पहले कच्चा माल जाना पड़ता था, हर आदमी को कच्चा माल जाना पड़ता था, और अब तो सारे रोड हो गए, गांव टू गांव 2-2 किलोमीटर पे गांव है, सब में रोड हो गए और सब गाड़ियां ले जाओ, पैदल जाओ, कोई परेशानी नहीं है इस सरकार में, ठीक है, बढ़िया सरकार है। आगे भी हम ये सोच रहे हैं हरियाणा में यही सरकार आ जाए, पब्लिक को कहना चाहते है भाई बचो इनसे, लूटा जाटा है, और भाई अपना बीजेपी को फिर दोबारा ले आओ, भाई यही है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो जो साहब लोग यहाँ पे बोल रहे हैं वो भी आप सुन ही चुके हैं कि सारी चीजें जो सरकारों में बदलाव आया है वो भी, और आगे आने वाले समय में आपको भी वोट डालना है, तो आप भी सोच समझ करके अपना वोट जरूर डालें, चाहे किसी को भी डालें, लेकिन वोट डालने के लिए जरूर निकलें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नीट IIT और JEE में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट SBI बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। छब्बीस सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहिना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान, लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, CLET, CAC, PT, NDA, सैनिक स्कूल और मिडिल स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी दो संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं हमारे पास, जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।